इस वीडियो में पार्ट 9 हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिसऑनेस्ट डीलर। तो डिसऑनेस्ट डीलर पर प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम सोल्व करेंगे, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, ट्रिक्स क्या रहती है जिनसे इजीली हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 0 to 2 क्वेश्चंस बैंक एग्जाम में इससे जुड़े हुए आते हैं और बैंक एग्जाम में ही नहीं अदर एग्जाम्स में भी प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं। इससे जुड़े हुए 8 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपने मिस कर दिए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियोस कितने पसंद आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, दी ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस से पार्ट 9 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिसऑनेस्ट डीलर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट से, अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस अ वेट ऑफ 960 ग्राम फॉर 1 किलोग्राम वेट, फाइंड हिज गेन परसेंट। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक डिसऑनेस्ट डीलर है, एक बेईमान दुकानदार है जो ये क्लेम करता है कि उसने जो गुड्स है जितना उसने आइटम खरीदा है जिस प्राइस पर खरीदा है उसी प्राइस पर वो बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है तो ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। ठीक है, पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, बट आगे कहा जा रहा है वो 1 किलोग्राम की जगह पर 960 ग्राम यूज करता है, मतलब जो भी कस्टमर को जो भी गुड्स देना होता है, प्रोडक्ट देना होता है, वो 1 किलोग्राम की जगह पर 960 ग्राम देता है, तो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में उसको प्रॉफिट होता है। और वो प्रॉफिट कितना होता है उसकी परसेंट हमें फाइंड आउट करनी। तो पहले कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सोल्व करते हैं इसे। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी है, ₹1000 पर केजी के लिए। 1 किलोग्राम जो भी प्रोडक्ट है, राइस हो सकता है, वीट हो सकता है, कोई अदर प्रोडक्ट हो सकता है, उसका 1 किलोग्राम का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, ₹1000। इस वजह से 960 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ₹960 होगा। और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, भाई डिसऑनेस्ट डीलर क्लेम क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस जो है उसी पर वो बेच रहा है, वही सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब है 960 ग्राम अगर कुछ प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट प्राइस 960 है तो सेलिंग प्राइस भी 960 होगी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए वो कस्टमर को 1 किलोग्राम की जगह पर 960 ग्राम प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम प्रोडक्ट दे रहा है तो कस्टमर से वो 1000 रुपीज़ ले रहा है, कस्टमर से वो 1000 रुपीज़ ले रहा है। भाई 1 किलोग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 1000 हुआ, और वो उसी पर बेच रहा है, एक तरह से 1000 रुपीज़ कस्टमर से ले रहा है, लेकिन दे कितना रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1000 होगी, ₹1000 होगी, क्योंकि कस्टमर से वो कितने रुपए ले रहा है, 1000 ले रहा है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास में है, सेलिंग प्राइस हमारे पास में है, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है वो हम काउंट कर सकते हैं किस तरह से, S-C/C × 100। क्या हो जाएगा, 1000 - 960/960 × 100। सोल्व करते हैं इसको तो क्या आ जाएगा, 40/960 × 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 96 फोर से डिवाइड होगा 24 टाइम, 4 से 100 डिवाइड होगा 25 टाइम, और 24 डिवाइड होगा 6 टाइम। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 25/6। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 25/6%। इसको और सोल्व करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 with 1/6%। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो कितना हुआ है, 4 with 1/6%। और इस मेथड से इस क्वेश्चन को आप सोल्व ना करना चाहें तो डायरेक्ट भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं फॉर्मूला की हेल्प से। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगी, ट्रू वेट माइनस फोर्स वेट डिवाइडेड बाय फोर्स वेट इंटू 100। तो इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा उसे आप फाइंड आउट कर सकते। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ट्रू वेट कितना है, 1000 ग्राम माइनस फोर्स वेट 960 ग्राम डिवाइडेड बाय 960 × 100। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, 40/960 ×
100, और देखिए इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक है, और वैल्यू क्या मिल गई, 4 with 1/6%। तो आप इस मेथड को यूज़ ना करके अगर आपको फॉर्मूला ध्यान में रह जाता है तो इसको यूज़ करें और परसेंटेज फाइंड आउट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेज अ वेट ऑफ 920 ग्राम फॉर 1 kg वेट, फाइंड हिज गेन परसेंट। तो सेम तरह का क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज आप फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूले का यूज़ करके। फॉर्मूला क्या था, ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट इनटू 100। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ट्रू वेट कितना है 1000 ग्राम, फॉल्स वेट 920 ग्राम डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट डेट मीन 920 इनटू 100, 1000 माइनस 920 कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 920 इनटू 100। सॉल्व करते हैं इसे, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 8 डिवाइड होगा 2 टाइम, 4 से 92 डिवाइड होगा 23 टाइम, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 डिवाइडेड बाय 23। इसको सॉल्व करते हैं, 23 इंटू 8 184 होता है, तो 8 टाइम ये डिवाइड होगा, रिमेन क्या रह जाएगा 16, तो 8 with 16 by 23% यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर, ऑप्शन सेकंड। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके सोल्व कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया उससे भी आप सोल्व कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा लेंथी नहीं है, इजीली आप अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अ सेलर यूजेस 920 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg टू सेल हिज गुड्स व्हेन ही सेल हिज आर्टिकल एट 15% गेन ऑन कॉस्ट प्राइस द एक्चुअल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 20%, सेकंड 15%, थर्ड 25%, फोर्थ 30% और फिफ्थ है नन ऑफ दी अब। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक सेलर 1 kg गुड्स की जगह पर 920 ग्राम गुड्स सेल करता है। इसका मतलब ये है कस्टमर से वो कहता है कि 1 kg दे रहा है लेकिन देता कितना है 920 ग्राम, इसका कस्टमर को पता नहीं होता। और उसने सेलिंग प्राइस कितनी रखी हुई है, उसकी कॉस्ट प्राइस पर 15% का प्रॉफिट हो जाए, इतनी सेलिंग प्राइस उसने रखी हुई है, तो टोटल प्रॉफिट जो होगा वो परसेंटेज में कितना होगा ये हमको बताना है। तो मान लीजिए जो कॉस्ट प्राइस है 1 kg गुड्स की वो कितनी है 1000 रुपीज़, 1 kg के लिए कितनी कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपीज़, तो 920 ग्राम गुड्स के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी होगी ₹920, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी भाई 15% का प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस होगी 115% ऑफ कॉस्ट प्राइस डेट मीन्स 1000। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 115 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100, इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा 1150, तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी 1150, इतने रुपए में वो 1 kg जो गुड्स है उसको बेच रहा है। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सेलिंग प्राइस क्या है 1150, कॉस्ट प्राइस क्या है 1000 की जगह पर 920 ग्राम दे रहा है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी 920, तो यहाँ पर 920 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 920 इनटू 100। सोल्व करते हैं इसे, क्या हो जाएगा 1150 माइनस 920 230 यहाँ पर बच जाएगा, डिवाइड करना है 920 से और इंटू करना है 100 से। इसको सोल्व हम करते हैं तो देखिए 230 से 920 डिवाइड होगा 4 टाइम, 100 डिवाइड होगा 4 से 25 टाइम, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कितना आ जाएगा 25%। तो एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ है 25% का हुआ है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन थर्ड। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, फॉर्मूला आपको बताया, जो भी आपको ठीक लगे उस तरह से क्वेश्चंस को आप सोल्व करें और इजीली आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। Thank you.